आज कबूतर की जो पहचान है असल में कबूतर वो तो उड़ने वाला ही रास्ता है, वो उसमें कमी नहीं है। जी 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 ऐसी नस्ल है जी, आग मीच के इन्हें उड़ा लो बस, आग मीच के अपना पूरा घर ही लगा दो दाव पे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट कबीर खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टॉक पिजन क्लब। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं अजीज़ मियां मार्ट साहब, बड़ी शख्सियत हैं माशाल्लाह, बहुत पुराने कबूतरबाजी में इनका बहुत बड़ा नाम है टोंक में और कलदूमों के नाम से ज़्यादातर माशाल्लाह मशहूर हैं, आप सब भी इनको जानते होंगे। थोड़ी सी गुफ्तगू अजीज़ मियां मार्ट साहब और इकबाल भाई से करते हैं, जानते हैं कि जोड़ा कैसा लगाएं। तो आइए पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मियां, कैसे हैं जी? खैरियत से हैं। क्या हाल है? बस बढ़िया है। अजीज़ अंकल, ये बताइए कि जोड़ा कैसा लगाया जाए? जोड़ा तो माशाल्लाह बहुत बढ़िया है जी, बाजरे यही बाजरा है, ये बाजरी है जी, ठीक है। काली काफ है, काली काफ है, कायलू में जी, हरे बाजरे तो रही जी जी जली है, हिलिए हुए आँख थोड़े से जी, आँख में फर्क फर्क है, आँख में इसकी आँख में सफेदी जी और इसकी आँख में ज्यादा सी लाली है जी जी। अब लोग लाली वाले को पसंद करते हैं, आजकल लाली वाली आँख चल रही है, हटते पसंद करते हैं उड़ान के हिसाब से। ये जो है इसमें, ये इसमें जो लाली कम है ना जी, ये इससे मेरी नज़र में भाई, हम लोगों की नज़र नहीं जी जी जी, मेरी नज़र में इसकी ज़्यादा अहमियत है, इसकी इसका बुरा सफ़ेद आँख वाले की, सफ़ेद बिल्कुल सफ़ेद भी नहीं, किसी लोग हल्की सी बदल आई है, हल्की सी बिल्कुल हल्की सी है बिल्कुल, इसमें ज़्यादा पकड़ में आ रही है बेचे जी जी जी। तो इसमें जोड़ा तो हो जाएगा, ये उड़ने उड़ान उड़ाने के लिए बहुत बढ़िया। तो आप बताइए इनको कि जोड़ा कैसे लगाएं, कैसे उतारे उतारे आजकल बहुत समझते हैं माशाल्लाह, थोक में कमी नहीं है जी जी जी, लेकिन आपके तजुर्बा ज्यादा है माशाल्लाह इन सबसे, ये लेकिन वो आजकल जिसका सूरज उदय हो रहा है ना जी जी, सही है, वो सही है सही, आजकल उतनी देखता कोई कि मतलब तजुर्बा कौन है कौन है कौन नहीं जी जी, खाली जिसका नाम है कबूतरबाजी में उड़ा रहे, जो कबूतर ज्यादा उड़ा रहा है। मैं तो जानता हूँ कबूतर अच्छा वही है जी जो उड़े, उड़ने से पहले कबूतर आंगन में होना चाहिए, सही जी, पहले जोड़े मतलब नीचे जोड़े अच्छे होना चाहिए, इसके बाद है आसमान तो दूसरा जी जी। तो खास कबूतर की जो पहचान है जी असल में कबूतर वो तो उड़ने वाला ही कहलाता है, उड़ने वाला ही कहलाता है, अगर उड़े नहीं कबूतर तो बेकार है किसी भी काम का नहीं जी जी जी, उड़े उड़ना चाहिए, उड़ने से कमी नहीं होना चाहिए माशाल्लाह, यही बहुत बढ़िया जोड़ा है ये, लेकिन इसमें आज मादीन में थोड़ी सी सुराख आ गई, आँख में थोड़ी सी चेंजेस हो जाए ना, ये जैसे कि जोड़ा कम नहीं है, और लोग ये कहते हैं ये शान की वजह है जी, सुर्खी जो होती है जी 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 शान की, और इसमें शान की कमी होती है, मैं कहता हूँ कुछ नहीं, ये ज्यादा मतलब जो है हल्की शान है इसमें, हल्की लाल आँख में, ये अपना निकल जाएगा तो अपना कहता आज करेगा जी, जान दे देगा लेकिन कोशिश करेगा अपने घर ही आने की, और दूसरी जगह ज्यादा पकड़ाते हैं आजकल, दो जगह इधर उधर जाके दो लगवाते जी, कबूतरों में नहीं आएगा। तो दोस्तों, जो अजीज़ मियां अंकल आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो भी इनके टाइम से जो अच्छे कबूतर माने जाते थे, वो हल्की जो लाल आँख आती है अपने, वाइट पूरी वाइट पड़ती हुई आँख, हल्का सा लाल डोरा, मतलब इनके टाइम के जो कबूतर हैं जो घर वापसी के जो ज्यादातर अच्छे होते थे, वो यही कबूतर होते हैं जो बिल्कुल व्हाइट आंख और हल्का सा लाल डोरा ली हुई, गंदी आंख तो जो है ना दाता है जी कबूतर की जी, वो या तो शीशे वालों में होना चाहिए, पहले जो है यारी आंख के जो है नीले नीले गंदली आंख के बादरे वाले लोग पसंद नहीं करते थे पहले, गंदली आंख पहले, लेकिन अब जो है इसको खास अहमियत देते हैं बाहर वाले जो है जी, वो ये गंदली आंख को पसंद करते हैं, अच्छा सुराख आंख को पसंद करते हैं, लेकिन खास टोंक के जो उत्साह लोग हैं जो कबूतर अच्छे हमते बड़े बड़े और भी लोग हैं जी जी, वो मतलब जो है वो ज़्यादा ये हल्की हल्की शुरू हल्की से चल जाती है, कोई बात नहीं, कोई ये भी नहीं है इसमें, लेकिन वो असल तो बात वो ये है होना चाहिए, और आजकल शीशे वाले शुर वाले कहीं मुझे तो होंगे टोंक में, लेकिन मैंने कहीं देखे नहीं अभी तक, से पहले कभी जी जी जी, शीशे वाले टूट वाले जी वो कबूतर नहीं है, शीशे वाले कबूतर बहुत गजब के होते हैं जी 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 जी,
हाँ उड़ान दोनों आजकल तो ये तो ऐसी नजर है जी, आग मीच के इन्हें उड़ा लो बस, आग मीच के अपना पूरा घर ही लगा दो दाव पे। सही है सही है, ऐसा कब बता रहा है। चलिए तो दोस्तों आपसे इजाजत लेते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऐसे ही इंशाल्लाह आपका शौक कराते रहेंगे हमारे बुजुर्गों के साथ और नए नए जो कबूतर के शौकीन हैं उन सबका। फिर इजाज़त लेते हैं, आपको हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना कि हमारे अजीम अमार साहब का तजुर्बा आपको कैसा लगा और कैसे जोड़े लगाएं। थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपको, क्योंकि उम्र का तकाजा है तो थोड़ा आवाज़ समझने में आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप हमें ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।